देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन का एक और मरीज मिला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का यह मरीज मुंबई में मिला है, जो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। मुंबई में मिले इस मरीज के साथ ही देश में अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में एक और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिल चुके हैं। एक एक कर बढ़ रही ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है। तो कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 4 हो चुकी है। मुंबई में भी एक मरीज मिला है, और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में ओमिक्रॉन के 373 मरीज हैं। और ऐसे में देखिए, अब देश में भी ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में भी मरीज मिला है। इसके अलावा मुंबई में, कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिले हैं, मुंबई में 1 मरीज मिला है, गुजरात में 1 मरीज मिला है। तो यानी कि 4 इनकी संख्या हो गई है। ऐसे में केंद्र की तरफ से भी राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप सख्ती से नियमों का पालन करवाइए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। खासतौर पर उन देशों से आने वाले यात्रियों पर जहां ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के कुछ देशों से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एट-रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोगों के लिए अलग से एक जोन तैयार किया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विदेशों से आने वाले जो यात्री हैं उनके लिए किस तरह से एक सेफ पैसेज तैयार किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे अहम बात यह कि न्यूज 18 इंडिया पर आप सबसे पहली बार देखेंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस तरह से जो रिस्क कंट्री हैं वहां से जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, उनके टेस्टिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है। ये जो पैसेज पूरा आप देख रहे हैं ये आइसोलेटेड एक जगह पैसेज बनाया गया हुआ है जहां पर एट रिस्क कंट्रीज से आने वाले केवल पैसेंजर्स ही बाहर आ सकते हैं। एयरपोर्ट का आप हिस्सा देख रहे हैं, जैसे ही फ्लाइट यहां पर पहुंचती है इसके बाद यात्री उतरते हैं तो उनके लिए सीधे वहां पर कोई मौजूद नहीं रहेगा, बस उन्हें सुरक्षा के साथ इस हिस्से में लेकर आएगी और इस हिस्से से ये एट रिस्क कंट्रीज के आने वाले पैसेंजर्स के लिए जो पैसेज है वो बनाया गया है, केवल वही यहां पर आ सकते हैं। सबसे अहम बात यह कि रोजाना 5 फ्लाइटें इन एट रिस्क कंट्रीज से आती हैं जिसमें सभी लोगों के टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। जब इस आइसोलेटेड पैसेज से बाहर की तरफ निकलने का हिस्सा होता है यहां पर देखें तो उनके लिए सामने ही आरटीपीसीआर रजिस्ट्रेशन का एक पूरा सेंटर बनाया गया है। सबसे अहम बात यह है कि यहां पर हर वक्त क्लीनिंग होती रहती है। कोई भी फ्लाइट आएगी उसके सारे पैसेंजर्स को यहां पहुंचाया जाता है। ये एयरपोर्ट का वो हिस्सा है जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए इमीडिएटली एट रिस्क से कंट्री से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर की पूरी व्यवस्था की जाती है। आपको दिखाई पड़ेगा कि एक एक व्यक्ति का टेस्टिंग आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। रोजाना तकरीबन 700 पैसेंजर जो एट रिस्क कंट्रीज से आने वाले लोग हैं उनकी ये पूरी एक जो लड़ी तैयार की गई है, ये एक पूरा जो वॉर रूम तैयार किया गया है वहां पर टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद उन्हें क्वारंटीन करने की पूरी व्यवस्था की जाती है। अंदर जो लोग मौजूद रहेंगे उन्हें टोकन दिया जाता है, उस टोकन के अनुसार ही वो यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनकी पूरी टेस्टिंग की जाती है। इस आइसोलेटेड जो है एरिया में आना हर किसी के लिए प्रतिबंधित है, लिहाजा हम उस वक्त पहुंचे हैं सुरक्षा कारणों से जब पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल आइसोलेशन का काम जारी है, सुरक्षा का छिड़काव किया जाता है। हर एक फ्लाइट के बाद जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उनके जाने के बाद वापस से यहाँ पे पूरा क्लीनिंग स्टाफ जो है वो सैनिटाइजेशन से लेकर हर एक व्यवस्था में जुट जाता है। कोशिश ये की जाती है कि कोई भी जो है एक फ्लाइट से आए हुए पैसेंजर्स का प्रभाव दूसरे पैसेंजर्स पे न पड़ने पाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बाद मुंबई में वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर ऑटो टैक्सी वालों को मोबाइल वैन पर वैक्सीन दी जा रही है। मुंबई में एक मुहिम की तरह वैक्सीनेशन चल रहा है। यही नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए बीएमसी ने नियमों में बदलाव भी किए हैं। ओमिक्रॉन की वजह से लोगों को वैक्सीन देने की हर संभव कोशिश हो रही है।
बीएमसी है वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में मोबाइल वैन लेकर जा रही है और जितने भी सारे लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने की जो है मुहिम की शुरुआत कर रही है। इस वक्त हम जोगेश्वरी इलाके में मौजूद है और आप मेरे पीछे जो बस देख रहे हैं वो एक मोबाइल वैन बस है। इस वैन को जो है जगह जगह पर ले जाया जाता है और वहां पर जितने भी सारे लोग हैं जो कोविड सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें जल्द से जल्द जो वैक्सीनेट करने की जो है वो मुहिम की शुरुआत की। आप देख सकते हैं जोगेश्वरी में इस मोबाइल वैन के बाहर भी कई सारे लोग जो है कतार लगा के खड़े हैं जो जल्द से जल्द अपने आप को जो है वो वैक्सीनेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ बीएमसी भी जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो। हमारे साथ बीएमसी के मितेश जी मौजूद है, तो मितेश आपसे जानना चाहेंगे ये मोबाइल वैन जो है एयरपोर्ट के बाहर भी आप लेके गए, साथ ही साथ मुंबई के कई सारे इलाकों में भी ये वैन जा रही है और लोगों को वैक्सीनेट करने की जो मुहिम है वो आप लोगों ने एक बार फिर जो है रफ्तार पकड़ी है, तो इस पे क्या कहेंगे? जोगेश्वरी और अंधेरी ईस्ट एरिया में हमारी वैन काफी जगह घूमती रहती है, ऐसे रिमोट एरिया लाइक स्लम्स हो गया या पॉकेट्स एरिया जहाँ पे सेंटर नहीं है वैक्सीनेशन का, वहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं और उनके लोकल कोई लीडर रहते हैं उनको बता देते कि हमारी गाड़ी है सुबह 10 से लेके 5 बजे तक, आप सबको इन्फॉर्म कर दो और यहाँ पे वैक्सीनेट करने आ सकते हो। पंजाब के भटिंडा में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग पक्की नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और अपनी बात मंत्री मनप्रीत बादल तक पहुंचाने के लिए उनका घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और प्रदर्शनकारियों को जबरन उठाकर अपने साथ ले जाने लगी। पुलिस की इस कार्रवाई का कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे इनकी एक नहीं चली। हिरासत में लिए जाने से पहले इन लोगों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मनप्रीत बादल मुर्दाबाद। इन प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ पहले से ही पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। झारखंड के धनबाद में चोरी के आरोप में जेल में बंद कैदी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल भेजने से उसके साथ पुलिस वालों ने थाने में मारपीट की थी, इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा पुलिस वालों पर फूट पड़ा। सैकड़ों लोग थाने का घेराव करने पहुंच गए और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो लोग सड़क जैम कर प्रदर्शन करने लगे। कुछ ही देर में कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो जैम हटाने के लिए पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। इस बीच कई लोगों पर लाठियां भी बरसाई गयी। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के विरोध में खूब नारेबाजी की और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बवाल को शांत करने के बाद घटना वाली जगह पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस मामले में जांच की बात कही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां नौकरी के लिए आवेदन देने पहुंचे नौजवानों के बीच ऐसी मारामारी मची कि वो एक दूसरे से धक्का मुक्की पर उतारू हो गए, जिन पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जिसकी कुछ तस्वीरें बहरामपुर स्टेडियम से सामने आई, जहां नौकरी के लिए आवेदन देने की जल्दबाजी कर रहे कुछ लोगों को पुलिस के डंडे खाने पड़े। स्टेडियम पहुंचे उन लोगों में ज्यादातर को पहले अपना फॉर्म देने की इतनी जल्दी थी कि उन्हें एक एक कर आगे जाने का सब्र तक नहीं किया, बल्कि वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे। ये मारामारी के हालात तब बने जब पहले से ही वहां लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी कि किसी भी तरह की अफरा तफरी से बचे। आखिर में जब भीड़ नहीं मानी तब पुलिस को उन्हें डंडों से पीटना मजबूरी बन गया। नौसेना दिवस पर रक्षा मंत्री ने बधाई दी। भारतीय नौसेना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के सभी जवानों और अधिकारियों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस मौके पर जवानों को बधाई देते हुए उनका जोश बढ़ाया। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने एक पारी में भारत के सभी 10 विकेट झटके और ऐसा करने वाले वो दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए।
दक्षिण अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटी एक महिला पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उस महिला को कोरोना नियमों के हिसाब से क्वारंटीन किया गया था, लेकिन जिस होटल में वो ठहरी थी वहां से रात को कहीं निकल गई। उनके ऊपर अपने जो है पुलिस ने FIR की है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आ चुके हैं। बताया गया कि बीते 5 दिन में राज्य के अंदर कोरोना के जितने नए मरीज सामने आए उनमें 60% मरीज राजधानी भोपाल से मिले हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि वो कोरोना के नए खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की हर चिकित्सीय व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त करें। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया, इस बात की जानकारी उनकी बेटी मलिका दुआ ने दी। गुजरात के जामनगर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का एक मरीज मिला। बताया गया कि जिस आदमी में ओमिक्रोन का वेरिएंट मिला है वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर चुका है। यह भी बताया गया कि 28 तारीख को वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा था और उसके बाद 29 तारीख को उसने गले में दर्द की शिकायत की थी। 30 तारीख को RT-PCR टेस्ट करवाया गया था जिसमें कोरोना होने की बात सामने आई। जांच के लिए कुछ सैंपल पुणे भेजे गए थे जहां से ओमिक्रोन होने की बात सामने आई। बताया गया कि ये यात्री अहमदाबाद के जामनगर सड़क के रास्ते पहुंचा। अब इस यात्री के संपर्क में उसके परिवार और बाकी लोगों की जांच भी हो रही है। साथ ही सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें हाई रिस्क वाले 8 लोगों और लो रिस्क वाले 31 लोगों की पहचान की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। जहाँ वो रहते थे वहाँ पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और जरूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाएगा। गत 28 नवंबर जिम्बाब्वे अफ्रीका से आए हुए एक 72 वर्षीय पुरुष का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी करने के बाद आज गुजरात सरकार आरोग्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है कि ये ओमिक्रॉन वायरेंट ही है। उस हिसाब से जिला प्रशासन की तरफ से सारी एहतियात बरती गई है। जो पेशेंट है वो जब से वो यहाँ आए हैं तब से आइसोलेशन में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्टार्टिंग में जब इनके सिम्टम्स सोर थ्रोट और जो वीकनेस थी वो भी काफ़ी कम हो चुकी है, पेशेंट इज स्टेबल अभी। एंड जितनी भी सरकार की तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, गाइडलाइंस इशू हुई है, उनका पालन करते हुए हम लोग इस सिचुएशन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तैयारियों को तेज कर दिया गया है। अहमदाबाद में विदेशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही टेस्ट हो रहा है। साथ ही वहां 2500 बिस्तरों वाले एक सरकारी अस्पताल को दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना के लिए खास तौर पर बनाए गए इस सरकारी अस्पताल को दूसरी लहर के बाद बंद किया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डॉक्टर और नर्स समेत पूरे स्टाफ के लिए इस अस्पताल को फिर से खोल दिया है। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जो खतरा बना हुआ है उसको देखते हुए अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने तैयारियां पूरी कर ली है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जो 1200 बेड का जो अस्पताल है वो तैयार है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 5, इसी तरीके से तकरीबन ये मेडिसिटी को अगर मिला ले तो 2500 जितने बेड तैयार है। हालाँकि अब तक एक ही मरीज यहाँ पर कोरोना का भर्ती है, लेकिन वो जो ओमिक्रॉन वायरस नहीं लेकिन नॉर्मल, उसकी तबीयत भी काफ़ी स्थिर बताई जा रही है। ये जो इस तरीके के वार्ड हैं वो पूरे के पूरे खाली है, लेकिन खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई है। जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया है, जिसके चलते आपात स्थिति में किसी भी तरीके की, जैसे पिछले दूसरी लहर में जो हमने देखा था, उस तरीके की तकलीफ न पैदा हो उसको देखते हुए सारी तैयारियाँ कर ली गई है। एयरपोर्ट पे अभी भारत सरकार की जो सूचना है, बोर्डिंग से पहले सभी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को निगेटिव RT-PCR जो 72 आवर्स के अंदर हो उसको अपलोड करने के बाद भी उनकी बोर्डिंग हो रही है, इसका इन्फोर्समेंट वहीं से हो रहा है जहां पे बोर्डिंग हो रही है। आने के बाद यहां जब लैंडिंग होती है उसके बाद जितने जो कंट्रीज एट रिस्क वाले लिस्ट है उन देशों से आने वाले सभी यात्रियों का 100% RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल भी होता है।
उनको एयरपोर्ट नहीं छोड़ना है जब तक उनकी रिपोर्ट ना आ जाए। गुजरात में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आने के बाद वहां हड़कंप मच गया। इस मामले को खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने काफी गंभीरता से लिया और एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी अधिकारियों को बुलाया गया और उन्हें सभी जरूरी कदम उठाने के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर देने को कहा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंचे, जहां दौरे के पहले दिन उन्होंने जैसलमेर में बॉर्डर पर तैनात जवानों का जोश बढ़ाया और तनोट माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा की। तनोट राय मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चार के साथ अमित शाह की पूजा संपन्न कराई और उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसी मान्यता है कि तनोट माता के असर से मंदिर को खरोंच तक नहीं आई और दुश्मनों को भी मुंह की खानी पड़ी थी, जिसका जिक्र गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में किया। मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री ने बीएसएफ अधिकारियों से बॉर्डर पर सुरक्षा हालात की जानकारी ली। एक अलग अलग कार्ड दिया जाएगा और वो कोई भी अस्पताल में जाकर वो कार्ड को स्वैप कर अपने परिजनों का और खुद का इलाज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए। इतना ही नहीं, वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद रोहतास पोस्ट पर गए, जहां उन्होंने बॉर्डर का जायजा लिया। कुल मिलाकर जवानों का जोश हाई करने के लिए, और दूसरी चीज यह है कि आधारभूत सुविधा जो है, आधारभूत सुविधा वह भारत पाकिस्तान सीमा की इस महत्वपूर्ण जगह पर बहुत ज्यादा मजबूत रहे। जैसलमेर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अमित शाह के साथ मौजूद रहे। इंडोनेशिया के जावा से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां की ज्वालामुखी के फटने के बाद ऐसी तबाही मची कि सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। माउंट सिमेरू नाम का यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में एक है, जो एक बार फिर अचानक फट गया। इसके फटते ही वहां के एक रिहायशी इलाके में कोहराम मच गया। ज्वालामुखी का ये रूप देखकर आसपास रहने वाले लोग सहम गए। इसकी चपेट में आने से बचने के लिए कई लोग अपने घरों से निकलकर दौड़ पड़े। इस भयानक मंजर को देखकर कई लोगों की चीखें निकल गई और वो लोग अल्लाह को याद करने लगे। धमाके के बाद पहाड़ की चोटी से राख और धुएं का गुबार उठता दिखा, जो करीब 40,000 फीट ऊपर जा रहा था। राख के गुबार ने ज्वालामुखी के ऊपर बादल जैसे बना दिए। वो पूरा इलाका दिन में ही रात जैसा दिखने लगा। इसी बीच तबाही की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। 2 गाँव को जोड़ने वाला एक पुल ध्वस्त हो गया। इतना ही नहीं, वहाँ के मकानों पर राख और मलबे का कब्जा हो गया। कई लोग इसकी चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। बंगाल की खाड़ी में उठे जवात नाम के तूफान की कमजोर पड़ने का दावा मौसम विभाग ने किया, लेकिन तूफान को देखते हुए ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के समुद्री इलाकों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया, ताकि तूफान की चपेट में आने वाले लोगों की फौरन मदद की जा सके। जिसकी कुछ तस्वीरें ओडिशा के पुरी से सामने आई, जहां समुद्र किनारे प्रशासन की टीमें लाउडस्पीकर की मदद से वहां मौजूद लोगों को समुद्र के नजदीक ना जाने की हिदायत देती नजर आई। जबकि एक दूसरी तस्वीर में पुलिस का एक पेट्रोलिंग दस्ता भी लोगों को समुद्र की ओर जाने से रोकता दिखाई दिया। प्रशासन के इस सख्त रुख के बाद समुद्र किनारे घूमने पहुंचे लोगों ने वहां से जाने में ही भलाई समझी। इसी तरह समुद्र किनारे दुकानें और रेहड़ी लगाने वाले लोग भी अपनी दुकानों को बंद कर सुरक्षित जगहों की ओर जाते दिखे। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की हिदायत दी गई। तो कुछ लोग अभी बीच पे आए थे, पूरा खाली करा दिया गया है, किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे। जवात तूफान के असर से ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की और राहत टीमों को भी लोगों की मदद के लिए तैनात कर दिया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सामने आई। जहां तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें लोगों को आगाह करती दिखी, इन टीमों की तैनाती से वहां के लोगों ने राहत की सांस ली, जबकि मौसम विभाग भी तूफान की चाल पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि राहत टीमों को सटीक जानकारी वक्त पर देकर तूफान से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। और कुछ इलाके में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के साथ साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल डायसोल प्रोसेसिंग हो सकता है। हालांकि तूफान भले ही कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसका साफ असर समुद्र में दिखने लगा है। बंगाल में एक इलाके में समुद्र की लहरें बेहद गुस्से में दिखी। वहां समुद्र का पानी सड़क पर आने से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया, तो वहीं राज्य के दीघा इलाके में समुद्र किनारे एनडीआरएफ की टीम बीच की ओर जाने वाले रास्ते को बंद करती नजर आई, जबकि एनडीआरएफ की टीम की अगुवाई कर रहे एक अधिकारी ने समुद्र किनारे घूमकर तैयारियों का जायजा लिया।
जवाद तूफान की 5 दिसंबर की शाम को आंध्र और ओडिशा के समुद्र तट से टकराने की आशंका है। लेकिन तूफान की टकराने से पहले इसके कमजोर पड़ने का दावा भी मौसम विभाग ने किया। फिर भी एहतियात के तौर पर ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा में अब तक 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि जवाद तूफान को देखते हुए राज्य के उन जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है जहां इस तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। साथ ही सरकारी दफ्तरों में भी 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा इन 3 राज्यों में NDRF, SDRF की टीमों की तैनाती कर दी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। तो वहीं तूफान को देखते हुए करीब 150 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के टकराते वक्त 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि इन 3 राज्यों के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश भी होने की संभावना जताई गई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की दस्तक के बीच टीकाकरण अभियान ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश में शनिवार को एक बार फिर वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। इसके साथ ही देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 127 करोड़ को पार कर गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत ने एक बार फिर 1 करोड़ टीका लगाने की उपलब्धि हासिल की है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे 1 करोड़ के 3 लाख से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक वैक्सीन की कुल 127 करोड़ 62 लाख डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 80 करोड़ से ज्यादा पहली और 47 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज शामिल है। तो एक बार फिर से 1 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा छुआ गया है। देश में एक दिन में फिर 1 करोड़ डोज लगाए जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया और लिखा कि भारत ने एक बार 1 करोड़ टीका लगाया। तेजी से चल रहे हर घर दस्तक अभियान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। खबर है कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय में भी सेंध लगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में पेगासस के जरिए करीब 11 अफसरों के फोन को निशाना बनाया गया है जो युगांडा में तैनात है या फिर पूर्वी अफ्रीकी देशों के मामले देख रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि किस व्यक्ति या संस्था ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय में सेंधमारी के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया। इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए अमेरिकी अफसरों के मोबाइल हैक करने का यह पहला मामला बताया जा रहा है। इससे पहले भारत में भी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का दावा किया गया था। यूपी के कानपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां छेड़खानी के आरोप में एक लड़की की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि वो लड़का एक लड़की को पिछले कुछ दिनों से लगातार फोन करके परेशान कर रहा था। इस बात की शिकायत उस लड़की ने अपने घर वालों से कर दी, जिसके बाद उसके घर वालों ने आरोपी लड़के को पकड़कर उसे पीट दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग उस लड़के पर थप्पड़ों की बारिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग उसे जोर से पकड़े नजर आए। तुम्हारी वजह से लड़कियां सेफ नहीं है। इतना ही नहीं, पीटने के समय उसे चप्पलों की एक माला पहनाई गई और फिर उसका इलाके में जुलूस निकाला गया ताकि वो दोबारा उस इलाके में नजर ना आए। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां के कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और आरोपी को लड़कियों से बदसलूकी न करने की सलाह देकर छुड़ा दिया। श्रीलंका में बनने वाले एक सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पर भारत के कड़े एतराज के बाद चीन को झुकना पड़ गया, क्योंकि ये सोलर प्लांट प्रोजेक्ट तमिलनाडु के बेहद करीब था, जिस पर भारत के इतराज के बाद चीन ने इस प्रोजेक्ट का काम रोक दिया। इस बात की जानकारी श्रीलंका में चीन के दूतावास ने ट्वीट कर दी। हालांकि उसने अपने ट्वीट में भारत का नाम लिए बिना किसी तीसरे देश की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए इस प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान किया। खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट को 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था, जिसे बनाने की जिम्मेदारी चीन की एक कंपनी को दी गई थी। इससे पहले भारत ने इसी साल जनवरी महीने में इस सोलर प्लांट प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी चीनी कंपनी को देने पर श्रीलंका से आपत्ति जताई। हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से किए गए एक ट्वीट में दावा किया गया कि हिमाचल में सभी वयस्क लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। बताया गया कि राज्य में करीब 54 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे दी गई है। इस उपलब्धि के बाद बिलासपुर एम्स में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम भी किया जाएगा।
उज्जैन में पुलिस ने ठगी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के उज्जैन में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर कारोबारी से ठगी की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकली आईडी, वायरलेस और कार जब्त कर ली। यूपी के हापुड़ में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के धनबाद में लोहा चोरी के आरोप में गिरफ्तार लड़के की जेल में मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच परिजनों ने थाने का घेराव किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिमाचल प्रदेश ने देश में कोरोना के टीकाकरण को लेकर बड़ा मुकाम हासिल किया है, जहां हिमाचल प्रदेश ने 100% व्यस्क आबादी को कोरोना से बचाव का दूसरा टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया। यूपी के मथुरा में अब तक कोरोना के 12 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 9 विदेशी भक्त भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव सभी लोगों को आइसोलेट किया गया है। राजस्थान के डूंगरपुर में 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने और 70 लोगों में खांसी की शिकायत के बाद एक पूरे मोहल्ले में कर्फ्यू लगा दिया गया। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राजस्थान के किसी इलाके में पहली बार कर्फ्यू लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से देहरादून तक इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की 18 परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें 4 धाम के लिए कई सड़क के उद्घाटन और कई प्रोजेक्ट की आधारशिला भी शामिल है, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री ने देहरादून में एक मंच से बटन दबाकर किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री परेड मैदान में लगी उस प्रदर्शनी में भी पहुंचे, जहां इन सभी प्रोजेक्ट के मॉडल रखे गए थे। उन्होंने उन सभी परियोजनाओं के मॉडल को एक एक करके देखा और बारीकी से उन्हें समझने की कोशिश की। वहां मौजूद कुछ इंजीनियर उन्हें इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते दिखाई दिए। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विजय संकल्प महारैली कर राज्य में चुनावी शंखनाद भी कर दिया। पिछले 2 महीने में वो तीसरी बार उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने हजारों लोगों की मौजूदगी में एक जनसभा की और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। पहले की सरकार ने उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर 7 साल में 600 करोड़ के आसपास खर्च किया, जबकि हमारी सरकार ने इन 7-7.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों पर हमला करने से नहीं चूके। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो राजनीति की आड़ लेकर हमारे राज्य की पहचान को तोड़ने और मरोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस रैली को सुनने के लिए वहां भारी भीड़ देखी गई। कई लोग बीजेपी का झंडा लिए भी दिखाई दिए। महिलाओं का भी हुजूम वहां नजर आया।